गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर करेंगे सप्लीमेंट्री बुक का, विच इज़ अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फोंटेस। इसमें एक स्टोरी है अबाउट अ पर्सन नेम्ड लेंको या लेंचो, जिसकी क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी हैवी रेन से, और उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखी ताकि वो भगवान उसकी हेल्प कर सकें और उसको कुछ पैसे भेज सकें। उसको चिट्ठी का जवाब भी आया, पैसे भी आए। पैसे भेजे किसने, चिट्ठी किसने लिखी और लेंको ने क्या किया, वो हम इस स्टोरी में देखेंगे। सो लेंको's क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड बाई हैवी रेन, सो ही टर्न्स टू गॉड फॉर हेल्प। ही रोट टू गॉड अ लेटर आस्किंग हिम टू सेंड हिम मनी। ही रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम गॉड अलॉन्ग विद सम मनी। हु एक्चुअली सेंड द मनी, वॉट डिड लेंको डू देन? रीड ऑन। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. The house इसलिए कहा गया है, a house इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि उस पूरी वैली में एक ही हाउस था। तो जब एक ही चीज़ है और वो स्पेसिफिक है तो वो द बन जाती है, जैसे हम आर्टिकल्स में करते हैं। और वो पूरी वैली मतलब दो पहाड़ों के बीच की जगह में एक ही घर था, और वहाँ पे भी एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसकी क्रेस्ट मतलब टॉप के ऊपर वो घर था। और इतनी हाइट से ही कोई भी बंदा वहाँ से रिवर भी देख सकता था और आसपास जो पूरी फील्ड थी, जो राइप कॉर्न मतलब पकी हुई मक्की की फील्ड थी, उसके अंदर कुछ कुछ फ्लावर्स थे वो लगे हुए थे, जिससे प्रॉमिस होता था, जिससे पता लगता था कि पक्का एक अच्छी हार्वेस्ट, एक अच्छा यील्ड आएगा। नाउ द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शावर। Throughout the morning, Lenko, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky toward northeast. अब सिर्फ धरती को एक ही चीज़ चाहिए थी, विच वॉज बहुत तेज़ बारिश, डाउन पोर, या एटलीस्ट अ शावर, एटलीस्ट कुछ बारिश तो हो। एंड थ्रू आउट द मॉर्निंग, सारा दिन मॉर्निंग जो है लेंको ने कुछ और नहीं किया, उसको अपनी फील्ड्स का पूरा अच्छे से पता था। सिर्फ क्या किया था, स्काई जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बारिश वाले बादल लाने थे उस तरफ देखा था। घर आते ही उसने अपनी वाइफ, जिसको वो वुमन बोलता था, बोला, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, कि अब तो पक्का बारिश होएगी। एंड नाउ द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, उसने रिप्लाई किया, येस गॉड विलिंग, हाँ भगवान ने चाहा तो। उसके जो बड़े बच्चे थे, बड़े लड़के थे, वो फील्ड में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के जो थे वो घर के आसपास खेल रहे थे। और वो औरत ने, उसकी वाइफ ने उनको बुलाया, आ जाओ डिनर खा लो, कम फॉर डिनर। Now it was during this meal that, just as Lenko had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he explained, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. मील खाते खाते, खाना खाते खाते, जैसे ही लेंको ने भविष्यवाणी की थी ना, एक तरह से प्रिडिक्ट किया था, बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स जो थे वो गिरने लगे। नॉर्थ ईस्ट में से बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बड़े घने बादल काले जो हैं वो आते हुए दिख रहे थे, जैसे बारिश होती है, बड़ी प्यारी सी महक, खुशबू आती है ना हवा में, वैसे ही एयर जो थी बड़ी फ्रेश और स्वीट लग रही थी। तो लेंको सिर्फ इसी वजह से बाहर चला गया कि उसको वो फील कर सके उस बारिश को अपनी बॉडी के ऊपर। और जब वापस आया ना, तो बड़ी खुशी से बोला कि ये ना बूंदें नहीं गिर रही बारिश में, स्काई में से, तो नए नए सिक्के गिर रहे हैं। जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटे ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। तो उसने बेसिकली बारिश की बूंदों को सिक्कों से कंपेयर किया है, क्योंकि बारिश की वजह से उसकी क्रॉप की हार्वेस्ट बहुत अच्छी आएगी, तो हार्वेस्ट अच्छी आएगी तो उसको उतने ही पैसे मिलेंगे। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. बड़ी तेज़ अच्छी बारिश हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि बारिश का एक पर्दा बन गया है। तो बड़े satisfied expression से वो अपनी corn की field को देख रहा था, जो उस पर्दे, बारिश के पर्दे में ढक गई थी एक तरह से। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. Suddenly, पर क्या हुआ, बड़ी तेज़ हवा चली और बारिश के साथ साथ हेल स्टोन्स,
बड़े बड़े गड़े गिरने लग गए। और अब ये जो गड़े थे ना, ये पक्का ही सिल्वर कॉइन्स को रिजेंबल कर रहे थे, वो इतने बड़े थे। और वो जो उसके बच्चे थे, जो अभी तक तो बारिश से बचे हुए थे, उन्होंने एक्सपोज किया अपने आप को, बारिश में चले गए। एंड दे रेन आउट टू कलेक्ट दी फ्रोजन पर्ल्स। जो गड़े होते हैं ना, वो मोतियों जैसे लगते हैं, तो वो उन फ्रोजन मोतियों को कलेक्ट वो करने लग गए। अब उसकी जो वो थी ना, हालत ख़राब हो गई। ही सेड, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली। अब वो कह रहा है कि यार ये ना फटाफट ख़त्म हो जाए, आई होप इट कि ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब बुरी हालत हो जाएगी। हाउ एवर, इट डिड नॉट पास क्विकली। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द सी ऑन द ट्रीज। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। लेंको'स सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। पर जो गड़े हैं वो बंद नहीं हुए। पूरा एक घंटा ये गड़े जो हैं वो हर तरफ गिरते रहे। और अब ये जैसे पीछे ही गड़े गिरे थे रात को, एक दिन जब लाइट भी चली गई थी, तो आपने देखा होगा कि इतने तेज़ गड़े और ज़्यादा गड़े गिर रहे थे कि वाइट हो गया था, है ना, सड़क पे भी थोड़ा थोड़ा वाइट लग रहा था। तो इसकी इतने गड़े गिरे कि इसकी फील्ड वाइट हो गई, जैसे किसी ने ऊपर नमक छिड़का हो। अब गड़े गिरते हैं तो सारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, लीव्स ख़राब हो जाती है, तो ट्रीज़ के ऊपर एक भी लीफ नहीं बची। कॉर्न, मक्की की जो वो फसल थी, पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। फ्लावर्स जो थे वो प्लांट्स में से गिर गए थे। और जो लेंको का सोल था, उसकी आत्मा तक सैडनेस से भर गई थी। जब स्टॉर्म चली गई, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न। जब स्टॉर्म ख़त्म होगी ना, तो अपनी फील्ड के बीच में खड़े होकर ना उसने अपने बेटों को कहा, वह टिड्डियों का दल, प्लेग मीन्स दल, लोकस टिड्डियाँ, टिड्डियों का दल भी आ जाता ना तो भी इससे ज़्यादा बच जाता। हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, इस साल हमारे पास कोई मक्की नहीं होगी, कोई मक्की नहीं होगी तो खाने को भी पैसे नहीं होंगे। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, सारे उदास थे। और बात क्या कर रहे थे, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, इतना काम किया, इतनी मेहनत की, कुछ नहीं हुआ। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल तो हम भूखे ही मर जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, देर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, पर जो भी उस वैली में रह, उस घर में, सॉलिटरी मतलब उस सिंगल हाउस में जो रह रहे थे ना, उनके दिल में सिर्फ एक ही होप थी। वो क्या थी, कि भगवान उनकी मदद कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ने कहा, अपसेट मत हो, चिंता मत करो, इवन दो हमें लग रहा है ना कि हमारा सारा कुछ उजड़ गया, फिर भी ये याद रखो कि कोई भी भूखा नहीं मरता। कोई बंदा कहाँ भी हो, भगवान उस तक उसका जितना लिखा हुआ आहार होता है ना, वो पहुँचा देता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो दूसरा बंदा बोलता है, तो कहने की बात है कि कोई नहीं मरता, पर मरते तो हैं ना। ऑल थ्रू द नाइट लेंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियंस। सारी रात लेंको जो है वो बिना सोए एक ही होप पे बात करता रहा कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे। जैसे उसने सुना था और मानता था कि भगवान जो है अपनी आँखों से हर चीज़ देखता है, इतना भी देख लेता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, बहुत अंदर गहराई में भी तुम क्या सोचते हो, जो तुम किसी को भी नहीं बताते। ठीक है, लेंको वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग मैन था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, तो जब वो फील्ड में काम करता था ना, जानवरों की तरह काम करता था, इतनी मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी उसको पढ़ना लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे मतलब जो भी अगला संडे आया, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब जैसे दिन चढ़ा, ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। एक उसने चिट्ठी लिखी जो वो खुद जाके शहर जाके मेल बॉक्स में डाल के आएगा। एंड इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। वो जो थी वो क्या थी, वो चिट्ठी थी भगवान के नाम। अब उस चिट्ठी में क्या था और उस चिट्ठी का क्या हुआ, ये हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में देखेंगे।